हेलो पीपल अ वेरी वॉम वेलकम टू कंसाइंस क्लासेस सो स्टूडेंट आज आपका लेक्चर फोर्टी थ्री है और आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में प्रीवियसली मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अबाउट सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट के बारे में नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आप प्रेजेंट परफेक्ट क्यों डिस्कस नहीं कर रही हैं तो वो भी आपको आगे चल के पता लगेगा सो देर इज अ सर्टन वे ओके टू एक्सप्लेन द टेंसेज तभी आपको टेंसेज एक्चुअली में समझ में आएंगे तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आज हम सिंपल पास्ट पढ़ेंगे ठीक है बिकॉज मैं आपको हर एक चीज़ लिंक करके पढ़ाती हूँ तो धीरे धीरे आपके डाउट भी क्लियर होते जाएंगे ओके okay. सो so, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट राइट right? लेकिन जो वर्ब आती है जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ठीक है वर्ब की सेकंड फॉर्म हम हमेशा पास्ट में किए गए काम को दर्शाने के लिए करते हैं ठीक है सिंपल पास्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ सेंटेंस देखिए एक है आपका यू कॉल्ड राहुल तुमने राहुल को बुलाया था अब मैंने इसमें था लगाया क्यों क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर जो वर्ब है उसमें मैंने ईडी लगा दिया और ये कै कौन सी वर्ब है ये आपकी स्टूडेंट एक रेगुलर वर्ब है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ठीक है यू कॉल्ड राहुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिड यू कॉल राहुल क्या तुमने राहुल को बुलाया था यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो डिड यू कॉल में इसको कह देंगे डिड यू कॉल्ड ठीक है जिन्हें ये रूल पता नहीं है कि जब भी सेंटेंस में डिड आता है तब आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे जबकि उस सेंटेंस का मतलब पास्ट ही होगा बिकॉज डिड उसका पास्ट टेंस डिफाइन कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया था डू do और डच के बारे में ठीक है तो डू तो आप लोग प्लूरल नाउन के लिए यूज़ करते हैं या फिर प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं जैसे आपका आई हो गया आई आपकी सिंगलर प्रोनाउन है लेकिन इसके साथ हम सब प्लू प्लूरल ही रहते हैं यू नो इट आई वी यू और एक आता है आपका दे ठीक है जब आपका प्लूरल प्रोनाउन है तो तो आपको पता है कि जो वर्ब है उसमें एश नहीं लगेगा लेकिन स्टूडेंट जो आपका डज है ठीक है डज के बारे में मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में डज आता है जो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज होता है दैट इज ही शी और इट के लिए ठीक है सिंगुलर प्रोनाउन या फिर सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है ही शी इट ये आपकी सिंगुलर प्रोनाउन है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर वर्ब आएगी तो आप उसमें ई या फिर ई एस नहीं लगाएंगे ठीक है वो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है ये एक एक्सेप्शन है ये आप दिमाग में रखिएगा सिमिलरली स्टूडेंट जब बात आती है डिट की अगर डिट सेंटेंस में आ रहा है ठीक है तो वो पास्ट एक्शन ऑटोमेटिकली डिफाइन कर रहा है तब आपको वर्ब को स्पेशली पास्ट टेंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ये रूल दिमाग में रखिएगा नेक्स्ट देखिए यू डिड नॉट कॉल राहुल अब यहाँ भी डिड था तो मैंने कॉल्ड नहीं कहा मैंने बोला यू डिड नॉट कॉल राहुल बिकॉज डिड मैंशन है दैट इज़ वाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म में नहीं आएगा कॉल ठीक है तुमने राहुल को नहीं बुलाया था बिकॉज डिड इन इट सेल्फ डिफाइन कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी अब बात करते हैं स्टूडेंट को सिचुएशंस के बारे में जहाँ हम सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं सबसे पहली बात जो भी एक्शन आपने पास्ट में शुरू करा था और उसे पास्ट में ही ख़त्म कर दिया ठीक है पास्ट में शुरू करा पास्ट में ही ख़त्म कर दिया ऐसे सेंटेंसेस आपके सिंपल पास्ट में आते हैं ठीक है एक स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एट फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट ठीक है स्पेसिफिक टाइम कैसे जब येस्ट आ जाए लास्ट ईयर आ जाए लास्ट नाइट आ जाए लास्ट वीक आ जाए लास्ट मंथ आ जाए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट आप सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं आपने कई किताबों में पढ़ा होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस जब एडवर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी लेकिन मैं आपके सामने एक चीज़ मैंशन कर दे रही हूँ सो दैट आप लोग बुक के रूल से भी लिंक कर सको कि ये लोग ऐसा बोलते क्यों हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस जब मेंशन हो ठीक है एडवर्ब मैंने आपको बताया है जो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब के बारे में बताती है ठीक है आई सॉ अ मूवी येस्टरडे तो मूवी कब देखी थी तो देखी थी ना येस्टरडे देखी थी वैसे इसकी बात हम एडवर्ब में करेंगे अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बस इतना दिमाग में रखिए कि कोई काम आपका कल शुरू हुआ और आपने कल ही ख़त्म कर लिया यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म कर दिया ठीक है तो ऐसे एक्शंस आप हमेशा सिंपल पास्ट में स्टूडेंट रखेंगे रटने की ज़रूरत नहीं है जैसे आई सॉ अ मूवी डे मैंने कल मूवी देखी थी तो भूतकाल में ये काम हुआ है ना तो मैंने कल मूवी देखी थी कल ही देखी थी पूरी ठीक है आई डिड नॉट सी अ प्ले येस्ट मैंने कल प्ले नहीं देखा था ठीक है लास्ट ईयर आई ट्रैवल्ड टू जापान लास्ट ईयर मैं जापान गया था लास्ट ईयर एक बात और स्टूडेंट लास्ट ईयर और इन द लास्ट ईयर में डिफरेंस होता है ठीक है अगर आप लोग कहीं पे इन द लास्ट ईयर लिखा हुआ देखें और अगर आप सोचें कि लास्ट ईयर आ गया है तो सिंपल पास्ट को मेंशन करूं तो ऐसा नहीं है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट परफेक्ट टेंसेस ठीक है तो जब लास्ट ईयर आपको देखने को मिले लास्ट मंथ आपको देखने को मिले लास्ट नाइट देखने को मिले येस्टरडे तो एविडेंट है ही ठीक है अगर आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिले एंड द टॉप ऑफ दैम इतना समझ लो कि अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और उसे पास्ट में ही ख़त्म कर दिया है तो ऐसे एक्शंस आपकी हमेशा सिंपल पास्ट में रहते हैं नेक्स्ट देखिए लास्ट ईयर आई डिड नॉट ट्रैवल टू कोरिया लास्ट ईयर मैं कोरिया नहीं गया था ठीक है डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट क्या तुमने कल डिनर किया था क्या तुमने कल डिनर किया था हैव डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट ठीक है याद रखना वो की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो आपकी की फर्स्ट फॉर्म हैव या फिर हैज ठीक है लेकिन हम यहाँ यू की बात कर रहे हैं तो हैव आएगा डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी नेक्स्ट देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब स्पीकर अपने पास्ट में किए गए काम को बता रहा होता है स्टूडेंट्स भले से वो स्पेसिफिक टाइम ना भी मेंशन करे लेकिन उसके दिमाग में होता है जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ मैंने कल बड़, मैंने बर्तन धोए थे ठीक है मैंने मैं सपोज़ आपसे बोल रही हूँ मैंने कल बर्तन धोए थे ठीक है अब अगर मैं सेंटेंस को लिखूँ तो मैं ये बोल दूँगी आई वॉश्ड द यूटेंसिल्स ठीक है मैं आपसे बोल दूँगी वेट अ सेक आई वॉश्ड द यूटेंसिल्स ठीक है मैंने ये नहीं बोला आई वॉश्ड द यूटेंसिल्स येस्ट मैंने सिर्फ इतना बोला आई वॉश्ड द यूटेंसिल्स तो ऐसे एक्शंस भी स्टूडेंट जो आपके दिमाग में है कि मैंने कल करा था लेकिन मैंने अब टाइम मेंशन नहीं करा है उन्हें भी हम सिंपल पास्ट में रखते हैं ठीक है तो ये भी दिमाग में रखेगा जैसे शी वॉश हर कार ठीक है अगर मैं बोल दूँ शी वॉश्ड हर कार अ सेक अगर मैं बोलूँ शी वॉश्ड हर कारस्टडे या फिर मैं बोलूँ शी वॉश्ड हर कार लास्ट मंथ या फिर मैं ना भी लिखूँ मेरा मन है कि मैं स्पेसिफिक टाइम दिखाना चाहूँ या नहीं तो कई बार ऐसा होता है स्पीकर स्पेसिफिक टाइम मैंशन नहीं करता है लेकिन ये बोलते टाइम होता है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव लेवल बट मैं आपको ग्रामर बिल्कुल डेप्थ में एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आपकी स्पोकन इंग्लिश भी साइड बाई साइड इंप्रूव होती जाए दैट इज़ वाई मैं ये रूल भी आपके सामने मैंशन कर रही हूँ ओके सो ये वैसे ये कोई रूल नहीं है ये आम बोलचाल की भाषा में जो नेटिव स्पीकर होते हैं जब वो बात करते हैं सो so वो जनरली नहीं मेंशन करेंगे ना क्योंकि उनके दिमाग में है कि मैं अपनी कार धो चुका था या मैं बर्तन धो चुकी थी ठीक है आई वॉश द या फिर शी हर कार ओके लेकिन आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर स्पेसिफिक टाइम है लास्ट 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 वीक नाइट मंथ तो ऐसे सेंटेंसेस आपके सिंपल पास्ट में होते हैं और मेरी मानो तो रटना भी मत बस इतना दिमाग में रखो कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो गए पास्ट में ही खत्म हो गया था वो आपका सिंपल पास्ट में आ गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस कहने का मतलब है जब कोई काम बहुत सारे हो रहे हैं पास्ट में ही हुए और पास्ट में ही ख़त्म हो गए क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना जब क्लोज टेस्ट की बात आती है कई बार आपको टेंसेस के बेसिस पर पूछ लिया जाता है ठीक है तो आगे के सेंटेंस से ही आपको पता लगता है ना कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है तो जिस टेंस में वो सेंटेंस होता है उसी टेंस uh, में आप आगे का सेंटेंस भी कंप्लीट करते हो राइट स्टूडेंट तो जब कोई एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो रहा है भले से काफ़ी सारे एक्शंस है पास्ट में ही कंप्लीट हो रहे हैं तब आप उन्हें सिंपल पास्ट में रखेंगे जैसे आई फिनिश्ड वर्क ध्यान रखना वेटर से, आई फिनिश्ड वर्क वॉकड टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम मैंने काम ख़त्म किया बीच पर गया और एक अच्छी सी प्लेस ढूंढी थी स्विम करने के लिए पास्ट में मैंने ये एक्शन करे थे सबसे पहले मैंने क्या किया था काम खत्म किया था उसके बाद मैंने क्या किया था वॉक कर कर गया था बीच पर यानी कि बीच पर गया था उसके बाद मैंने क्या किया था एक अच्छी सी प्लेस ढूंढी थी स्विमिंग करने के लिए राइट नेक्स्ट देखिए ही अराइड फ्रॉम द एयरपोर्ट एट एट ओ क्लाक चेक द होटल एट नाइन एंड मेट द अदर्स एट टेन सारे ही काम पास्ट में होके कंप्लीट हो गए हैं वो एयरपोर्ट आया आठ बजे ठीक है होटल में चेक इन करा नौ बजे और अब सभी लोगों से मिला दस बजे ठीक है तो मैंने यहाँ पर सिंपल पास्ट मेंशन करा है अराइव ठीक है ये आपकी एक रेगुलर वोब है तो सारे ही काम मैंने पास्ट में करे तो अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट में है ठीक है जो पास्ट में किए गए काम को बता रहा है और एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन है ठीक है एक स्पेसिफिक टाइम मैंशनड है ठीक है तो आगे का काम भी स्टूडेंट आपका सिंपल पास्ट में ही होगा आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी डिड यू एड फ्लाप पोर इन द मिल्क एंड देन एड द एग्स क्या तुमने पहले आटा ऐड आट करा फिर तुमने मिल्क डाला और फिर तुमने एग डाल दिए थे डिड है ना तो एडेड नहीं होगा पोर्ड नहीं होगा और एडिड नहीं होगा ठीक है आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी नेक्स्ट देखो स्टूडेंट ड्यूरेशन इन द पास्ट ड्यूरेशन का मतलब है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया लेकिन ड्यूरेशन से क्या आप समझते हो कि वो जो काम था ना थोड़े लंबे समय तक चला था ठीक है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चला था जैसे आई लिव्ड इन ब्राज़ील फ़ॉर टू ईयर्स मैं ब्राज़ील में दो साल रहा था ठीक है आई लिव्ड इन ब्राज़ील फ़ॉर टू ईयर्स तो फॉर टू ईयर्स क्या है स्टूडेंट टू ईयर्स आपका एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है एक ड्यूरेशन बता रहा है कि मैं पहले दो साल ब्राज़ील में रहा था अब नहीं रह रहा हूँ रहा था पास्ट में रहा करता था अब तो नहीं रह रहा हूँ ना शोना स्टार्टेड जापानीज फॉर फाइव ईयर्स शोना ने जापनीज पढ़ी पाँच साल के लिए ठीक है पड़ी थी पाँच साल के लिए अब तो नहीं पढ़ रही है ना एक्शन कंप्लीट हो गया दे सैट एट द बीच ऑल डे वो बीच पर पूरे दिन बैठे रहे थे अब तो नहीं बैठ रहे हैं ना पास्ट में ही था लेकिन ड्यूरेशन था ऑल डे फाइव ईयर्स टू ईयर्स ठीक है नेक्स्ट देखो दे डिड नॉट स्टे एट द पार्टी द एंटायर टाइम वो पूरे समय के लिए पार्टी में नहीं रुके थे ठीक है वी टॉक ऑन द फ़ोन फॉर थर्टी मिनट्स एक ड्यूरेशन आ गया कि हमने फ़ोन पर तीस मिनट तक बात की थी हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर देम तुमने कितनी देर के लिए उनका वेट किया था ठीक है वी वेटेड फॉर वन आवर हमने एक घंटे तक उनका वेट किया था तो यहाँ पर स्टूडेंट एक ड्यूरेशन मेंशन है जब भी सेंटेंस में ड्यूरेशन मेंशन होती है यानी कि एक आपको लंबा पीरियड दे दिया जाता है किसी काम को बताने के लिए जो पास्ट में ही स्टार्ट हो के पास्ट में ही ख़त्म हो गया कहने का मतलब है विच स्टार्ट स्टॉप्स इन द पास्ट ऐसे सेंटेंसेस भी आपके सिंपल पास्ट में आते हैं नेक्स्ट देखिए हैबिट हैबिचुअल एक्शन हमने प्रेजेंट में भी पढ़े थे कि जो हैबिचुअल एक्शन्स होते हैं ठीक है उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं लेकिन वो वाले एक्शंस जो अभी भी चल रहे हैं जो वो रोज़ करता है लेकिन यहाँ पर कौन से हैबिट जो हमने पास्ट में शुरू करे थे यानी कि पास्ट में जो मेरी हैबिट थी अब नहीं है ठीक है पास्ट में मेरी हैबिट थी अब नहीं है ठीक है आप कह सकते हो उसका मीनिंग यूज़ टू के सिमिलर होता है कैसे मैं आपको बताती हूँ यूज टू एक मॉडल वर्ब है ठीक है तो दिमाग में रखिएगा जैसे आई स्टार्ट फ्रेंच वेन आई वॉज़ अ चाइल्ड आई स्टार्ट फ्रेंच वन आई वॉज़ अ चाइल्ड जब मैं बच्चा था तब मैंने फ्रेंच पढ़ी थी ठीक है सो so, ये एक एक्शन स्टूडेंट आपका पास्ट में था कि जब मैं बच्चा था तब मैंने फ्रेंच पढ़ी थी ठीक है आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो वेटस है आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो आई यूज टू स्टडी फ्रेंच ठीक है मॉडल वोब है तो उसके साथ वोब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल्स के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे आई लेट यू नो ठीक है बस इतना दिमाग में रखो जब यूज टू आता है या फिर कोई भी मॉडल वर्ब आती है तब उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं मॉडल्स के बारे में और डेप्थ में इंक्रीज़ करें और डेप्थ में हम पढ़ेंगे जब मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी राइट सो आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वॉज़ अ चाइल्ड जब मैं बच्चा था तब मैंने फ्रेंच पढ़ी थी ठीक है तो ये एक हैबिट थी जो उसकी उस टाइम पर थी जब वो बच्चा था अब तो रुक गई है ठीक है नेक्स्ट देखो ही प्लेड द वायलिन ही प्लेड द वायलिन अब यहाँ पर ये एक हैबिट है कि वो वायलिन बजाया करता था अब नहीं बजाता है बजाया करता था तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ही यूज़ टू प्ले द वायलिन ही यूज़ टू प्ले द वायलिन ठीक है नेक्स्ट देखो ही डिड नॉट प्ले द पियानो वो पियानो नहीं बजाया करता था ही डिड नॉट प्ले द पियानो वो पियानो नहीं बजाया करता था ठीक है डिड यू प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रोमेंट वेन यू वर्क एड क्या तुम म्यूज़िकल इंस्ट्रोमेंट बजाया करते थे जब तुम तो बच्चे तब यहाँ पर उसके एक हैबिट के बारे में पूछा जा रहा है ठीक है सो so, ऐसा नहीं है ठीक है तो वो नहीं बजाया करता था तो यहाँ पर उसके एक हैबिट के बारे में पूछा जा रहा है नेक्स्ट देखो शी वर्क एट द मूवी थिएटर आफ्टर स्कूल तो जब वो स्कूल में पढ़ता था तब वो मूवी थिएटर में काम करता था अब वो स्कूल में नहीं है तो अब वो काम नहीं करता है तभी आपका सिंपल पास्ट में है दे नेवर वेंट टू स्कूल दे ऑलवेज स्किप्ड क्लासेस वो कभी स्कूल नहीं गए थे उन्होंने हमेशा क्लासेस स्किप ही करी थी तो ये एक पास्ट में एक्शन हुआ था उनकी हैबिट ही थी वो ये काम करते ही थे कि वो स्कूल नहीं जाते थे और क्लासेस को स्किप किया करते थे तो ऐसे एक्शन स्टूडेंट जो हैबिट को दर्शाते हैं जो भी काम पास्ट में शुरू हो के पास्ट में ही ख़त्म हो गए हैं ठीक है जहाँ पर स्पेसिफिक टाइम आ रहा है जो पास्ट में ही शुरू हुआ पास्ट में ही ख़त्म हो गया तब भी आप वहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज करेंगे नेक्स्ट देखो स्टूडेंट पास फैक्ट्स या फिर जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन Generalization का मतलब क्या होता है कि जो कोई चीज़ जनरल थी जनरल चीज़ हम किसे कहते हैं जो चीज़ जेनरिक होती है जो चीज़ कॉमन होती है या फिर कभी कॉमन थी कभी जिससे सभी लोग करते थे या फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति करता था तो उसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन या फिर इसे हम फैक्ट भी कह लेते हैं जैसे शी वॉज शाए एज अ चाइल्ड बट नाउ शी इज़ वेरी आउट गोइंग जब वो बच्ची थी तब वो बहुत ज़्यादा शाई थी लेकिन अब वो शाय नहीं है उसका नेचर बहुत ज़्यादा आउट गोइंग है कहने का मतलब है आउट गोइंग से कि वो आसानी से सबसे खिल घुल मिल जाती है ठीक है नेक्स्ट देखो ही डिड नॉट लाइक टो बिफोर उसे पहले टोमेटोज पसंद नहीं थे लेकिन अब उसे पसंद हैं ठीक है तो वो एक फैक्ट तब था जब उसे टोमेटोज पसंद नहीं थे ठीक है पहले पसंद नहीं थे लेकिन आज हैं डिड यू लिव इन टेक्सास वेन यू वर किड क्या तुम टेक्सास में रहते थे जब तुम बच्चे थे क्या तुम टेक्सास में रहते थे जब तुम बच्चे थे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके पास्ट फैक्ट के बारे में ठीक है जो एक जनरल चीज़ थी कि क्या वो टेक्सास में रहता था पीपल पेड मच मोर टू मेक सेल फोन कॉल्स इन द पास्ट पीपल पहले बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे सेल फोन्स बनाने के लिए इन द सॉरी सेल फोन कॉल्स करने के लिए इन द पास्ट में यानी कि जब पहले का टाइम था तब लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किया करते थे कॉल करने के लिए फ़ोन कॉल्स करने के लिए ठीक है लेकिन अब ऐसा नहीं है तो ये क्या है पास फैक्ट है जो जनरल चीज़ें हैं जो पहले कभी सच हुआ करती थीं लेकिन आज ऐसा नहीं है तो ऐसे सेंटेंसेस भी स्टूडेंट हम सिंपल पास्ट में रखते हैं आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी सो so, अगर सेशन पसंद आया हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करना चैनल को भी सब्सक्राइब करना और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बताइए इस चैनल के बारे में सो so दैट आप लोगों के सपोर्ट से लोग आएँ और इस चैनल पर जुड़ें ठीक है थैंक यू सो मच